दोस्तों आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है। और इस वक्त देश में जो कोविड चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मेरा सभी से निवेदन है आप सब मास्क का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रंग में रंग गया संपूर्ण आगरा। गणतंत्र दिवस के आयोजन देशभक्ति से सराबोर रहे। सरकारी अर्ध सरकारी इमारतों पर भी शान से तिरंगा फहराया गया। बुधवार को सुबह लगभग 10 बजे आगरा जगनेर रोड स्थित कस्बा 9 मील पर सत्यवान सिंह के नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया गया। उन्होंने बताया है कि समोत्कर्ष संस्था की ओर से प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, शहीदों को नमन किया जाता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है और तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी इस आयोजन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप देख रहे हो तस्वीरों में किस प्रकार आगरा जगनेर रोड पूरी तरह शांत हो गया है और सभी लोग तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और आगे भी देखिए और भी खबरें इस खबर के साथ आपको मिलेंगी। सर मैं सत्यवान सिंह, सदस्य समोत्कर्ष, जिसके संस्थापक हैं कर्नल विजय तोमर साहब, जिनके निर्देशन में ये कार्यक्रम होता है। कहाँ कहाँ जाते हो आप तिरंगा यात्रा लेकर? सर ये तिरंगा यात्रा लेकर सर्वप्रथम तो नौमील चौराहा पर ध्वजारोहण से कार्यक्रम शुरू होता है और उसके बाद में हम लोग तिरंगा यात्रा लेकर शहीदों पर जाते हैं। जो भी स्थानीय शहीद हैं सभी शहीदों पर जाते हैं। स्वयं कर्नल साहब चलकर आते हैं और शहीदों पर जाते हैं साथ में, और उनके साथ हम सब लोग मिलकर कर्नल साहब के साथ में जाते हैं शहीदों की समाधियों तक। लेकिन इस बार कर्नल साहब कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए कर्नल साहब नहीं आए हैं और हमें भी निर्देशित किया था कि कोविड की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार ही आप तिरंगा यात्रा लेकर जाएंगे, बिना मास्क के नहीं जाएंगे। शहीदों की समाधि पर आप जाते हैं, वहाँ उनके परिजन मिलते हैं क्या आपको? जी बिल्कुल, हमारी तिरंगा यात्रा जाती है सभी शहीदों पर और जहाँ जहाँ जिन जिन शहीदों पर हम जाते हैं उनके परिजन हमें मिलते हैं। आज अभी जैसे कि अभी कार्यक्रम समापन हुआ है, मैं अभी अपने संस्था के कार्यालय में बैठा हूं और हम अभी जब यहां शहीदों पर गए थे तो हमें फूल सिंह जी की समाधि पर उनके पोते मिले थे और जैसे जैसे हम जहां जहां जाते हैं उनके परिजन मिलते हैं। श्री धनेश, शहीद धनेश कुमार जी की समाधि पर उनके पिताजी नथोली राम जी मिलते थे हमें। अभी उनका चूंकि उनका स्वर्गवास हो गया है तो इस बार उनके पोते हमें मिले थे वहां, पुष्पेंद्र जी, उनके चाचा जी की समाधि है श्री धनेश कुमार जी की। तो वो इस बार कह रहे थे मुझे खुद कि भैया मैं आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि आप शहीदों हमारे चाचा जी की समाधि पर आएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और इस बार कर्नल साहब नहीं आए। तो मैंने उनको स्वयं बताया कि कर्नल साहब इस बार नहीं आ पाए, कोविड की गाइडलाइन है, हम लोग लेकिन आपके आए हैं यहाँ पर और श्रद्धांजलि अर्पित करी है। हमें सभी शहीदों के यहाँ लगभग लगभग उनके परिजन मिलते ही हैं। आगरा जगनेर रोड पर स्थित धनौली के विकास नगर में नाला निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बुधवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर ही ध्वजारोहण किया। इसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। समाज सेविका सावित्री चहार और बच्चे यात्रा में शामिल रहे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार यहां उनको परेशानी हो रही है। वहीं आपको बता दें उनके साथ और भी लोग शामिल रहे जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं सभी का सहयोग है और सभी का साथ है। आप देख रहे हैं किस प्रकार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम आपको आगे भी दिखाएंगे इस संस्था में किन किन का योगदान है। मेरा नाम है राजकुमारी। हमारे धरने को हो गए 106 दिन और ये गंदे पानी बढ़ रहा है, दोनों तरफ नाले बन जाए। आज हमने 26 जनवरी भी नहीं मनाई है और परेशानी चल रही है, बच्चों गिर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो ये गंदे पानी से बच जाना वही अच्छा है। मैं समाज सेवका सावित्री चहार, जय हिंद वंदे मातरम साथियों। आज हम धरना स्थल पर, हमारे धरने को 106 दिन हो चुके हैं जो कि आज गणतंत्र दिवस मनाया गया है। यहाँ 75 साल पूरे हो चुके हैं
देश को आजाद हुए, लेकिन इस धनौली ग्राम पंचायत को जो कि हम विकास के मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं बरकरार, इस गंदे पानी से इस धनौली ग्राम पंचायत को निजात कब मिलेगी? जय हिंद। मेरा नाम आशा समाज सेविका, आज हमने अपने धरने पर तिरंगा फहराया। हमारे धरने को चौथा महीना चल रहा है, चार महीना कंटिन्यूस होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मैं विकास नगर है, ये विकास नगर से बोल रही हूँ, और इतना जल भराव है, इतनी समस्या हो रही है हमारे लिए, लेकिन शासन प्रशासन कोई भी उनके कान में झूठक नहीं रंग रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हमने बहुत सारे मूवमेंट कर लिए, लेकिन अभी तक चौथा महीना चल रहा है। अब आचार संहिता लगने की वजह से हम कोई बड़ा मूवमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो हमने आज अपने धरने पर तिरंगा फहराया। वोटों की जरूरत होती है तो ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने कोई विकास नहीं करवाया धनौली के अंदर। सिर्फ हिंदू मुस्लिम दलित इन लोगों पे यही राजनीति रह रही है, बस दलितों का शोषण और मुसलमानों का शोषण ज़्यादातर यही, और इसके सिवा कुछ भी कोई राजनीति नहीं कर रही है लोग, सिर्फ इन्हीं का शोषण हो रहा है। धनौली में चारों तरफ आगरा के अंदर विकास है, लेकिन धनौली को छोड़ के, क्योंकि धनौली में ज़्यादातर मुस्लिम और SC के लोग रहते हैं, इसलिए विकास नहीं करवाना चाहते नेता लोग। कागजों में दिखा देते हैं यहाँ विकास हो रहा है वहाँ विकास हो रहा है, जब मांगते हैं पूछते हैं कि कहाँ विकास है तो करवाएंगे करवाएंगे, ऐसे वादा खिलाफी करके शासन प्रशासन हर दिन झूठ बोल रहा है हर दिन। अभी हमसे बोला गया था कि टेंडर पास हो गया नालों के लिए, टेंडर पास हो गया है, तो हमने सोचा टेंडर पास हो गया तो हमें कापी दे दो, तो उन्होंने कापी देने के बजाय हमको आश्वासन दिया कि कापी ओपन नहीं कर सकते, दो दिन में काम चालू हो जाएगा, दो दिन की बजाय एक महीना हो चुका है, उन बातों को एक महीना हो चुका है आचार, अब बोल रहे हैं आचार संहिता लग गई, तो इसका मतलब यहाँ कभी विकास होगा ही नहीं। ये सिर्फ झूठा आश्वासन दे के शासन प्रशासन और इस सरकार में कुछ नहीं मिला हमको, सिर्फ आश्वासन के सिवा। काम मैं विकास नगर निवासी समीर, और आप जैसा कि देख रहे होंगे दृश्य क्या हो रहा है यहाँ पे, कम से कम 1.5 साल से हम ये पोजीशन झेल रहे हैं, यहाँ की गंदा नाल गंदा पानी चल रहा है, 1.5-2 साल हो गए यहाँ पे, और ना ही प्रशासन सुन रहा है, ना ही हमारे जो ग्राम यहाँ के धनौली के जो प्रधान हैं वो कोई नहीं सुन रहा है हमारे, और सभी के पास जाकर के हमने विनती की है, सब कुछ प्रयास करके देख लिया कुछ नहीं, और हमारी जो आंटी हैं उन्होंने कम से कम 4 महीने हो गए धरना देते देते, लेकिन ना तो प्रशासन ने सुना ना किसी ने सुना, सिर्फ वादा खिलाफी हो रही है, और बस यही है कि हम यही चाहते हैं कि एक अच्छा विकास, किसी से हम कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ विकास मांग रहे। अच्छा आप एक बात बताएं, गवर्नमेंट तो जो विकास की गंगा बह रही है चारों तरफ, कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या आप लोगों का विकास नहीं हुआ इस शासन काल में? ऐसा है, गवर्नमेंट तो सिर्फ एड में टीवी में अखबारों में सिर्फ वहाँ विकास दिखा रही है, जमीनी स्तर पे आकर के देखें तो बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है, सिर्फ गंदे नाले गड्ढे और बहुत परेशानी है। यानी अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ अच्छा। दिलासा दे दिया जाता है कि अब हो जाएगा ना, ये नवदुर्गे के बाद होगा, दिवाली के बाद होगा, नई साल के बाद होगा, यही बस यही बोल दिया जाता है। ठीक।